हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम रोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट का पेपर 2022 का T3 कोड सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आए थे और कहां कहां से आए थे और किस किस लेवल के थे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बच्चा हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला नंबर ही क्वेश्चन था, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर दे रखा था 100 टर्म्स पर मीटर के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अगर 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर रहा था तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, कहाँ पे, सेंटर के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर के ऊपर। सो मेरा बच्चा क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई का बाद, ये तो सीधा सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। अगर बच्चे का कहीं गलत हुआ होगा तो सिर्फ एन के विद रिस्पेक्ट टू हुआ होगा, उसका रीज़न भी बता देते हैं हम क्या है इसमें। देखिए, हमारे पास जो n होता है ना वो था 100 और पर मिलीमीटर दे रखा था तो 10^-3। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10^-5। क्या आ जाएगा, 10^-5। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू सबसे पहले लगाएंगे, 10^-7 इंटू 10^5 और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपके पास करंट, करंट का वैल्यू कितना था 1। इसको सॉल्व करते साथ ही आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा ये, और ये सीधा ही क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चे का कहीं गलत हुआ होगा तो सिर्फ n की पावर के ऊपर ही गलत हुआ होगा और कहीं पे मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वेश्चन गलत होना बनता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे बच्चों। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को दिया हुआ 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हम लोगों ने और 20 सेंटीमीटर ईच ले लिया हम लोगों ने उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको जानते हो जो राइट ऑफ द लेंस होता है वो R1 होता है और लेफ्ट की साइड के ऊपर R2 रहता है, और हमको बोला गया है कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 ग्लास है तो होगा ही, तो पावर निकाल के बताइए। तो बच्चों, हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस का सीधा ही फॉर्मूला भी हुआ करता था, आप लोगों ने पढ़ा भी है ये, कि म्यू माइनस वन था, मतलब म्यू की जगह पर क्या है, म्यू की जगह पर क्या है हमारे पास 1.5 और यहाँ पर बाकी आ गया 1/R1 - 1/R2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1/R1 और 1/R2 की जगह के ऊपर पुट कर देंगे 20 और 20, ठीक है। और एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, की पावर किसके बराबर में होती है, 1/F के बराबर में होती है, जो ये भी पावर ही है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते सारी आपके पास जो आंसर आना है बच्चों वो आ जाना है 20, कितना आ जाना है 20। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए, सीधा ही फॉर्मूला है हमारे पास फोकल लेंथ का बाई कन्वेक्स लेंस के विद रिस्पेक्ट, बड़ा ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद तो क्वेश्चन ऐसा आया है कि जिसको मतलब आराम से बच्चा हर निकाल सकता था। उसने बोला कि T1 और T2 हमारे पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की है, और आप बताइए कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका रेशियो क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए, बेसिकली ये होता है 1/N² के बराबर में, इसके बराबर में होता है 1/N² के बराबर में। सो अगर हम T1 निकालेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात करेंगे तो उसके लिए N होता है 2, उसके लिए N कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n हमारे पास होता है 3, तो ये आ जाएगा 1/9। अब इसका रेशियो निकालना है हम लोगों ने, अब क्या निकालना बेटा, हमने इसका रेशियो निकालना है। अगर इसका T1/T2 करोगे तो T1/T2 जब इसका रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो आ जाना बेटा 4:9, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला था इसका, डायरेक्ट फार्मूला जो था इसका आया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो उन्होंने चॉकलेट प्रॉब्लम दे दी, कहने का मतलब हो गया सीधा ही, मतलब एक गिफ्ट दे दिया बच्चों को एक्चुअली में ना, कि हाँ भाई पीक वैल्यू हमको एसी सोर्स का बताइए कितना होता है। वो तो सीधा ही है, इसका तो रिलेशन भी होता है हमारे पास 2 टाइम्स होता है बेटा जी, ये क्या होता है हमारे पास √2 टाइम होता है बेसिकली RMS वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स के विद रिस्पेक्ट टू। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था यार, मज़ा ही आ गया क्वेश्चन देख के, मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन था बेसिकली। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ये आया है EM वेव से, ठीक है, ये मैच द कॉलम था बेसिकली। तो इसका एक टेबल सीधा ही बुक के ऊपर बना हुआ है ना, तो हमको पता है कि भाई इसका जो EM का जो
हमारे पास एम्पलीट्यूड और मॉडुलेशन जो होती है बेसिकली उसकी वेव का जो हमारे पास पहला ही आता है वो होता है वेवलेंथ उसका 10^-2। ठीक है, तो थर्ड वाला देख सेकंड वाला देख लीजिए कौन कौन सा होएगा हमारे पास। सॉरी, इसका जो होगा इसके पास हमारे पास जो होगा ये होगा एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का बात करेंगे तो उसका होता है 10^2, नॉट 10^-2, 10^2। ठीक है, तो टू वाला इसमें कौन कौन सा है आप ये देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं कि टू वाला कौन कौन सा था। और टू वाला स्टार्टिंग वाला ये आ रहा था, ठीक है ना। तो एएम वेव का जो सीधा ही पहला ही क्वेश्चन था यार, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये सीधा एक टेबल में दे रखा है आप लोगों को, क्योंकि इसमें तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही क्वेश्चन आना होता है। कई बार मैं आपको ऑनलाइन होके वीडियो के में बता चुका हूँ लाइव होके कितनी बार आपको हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है कि एक स्केयर लूप है जिसका हमारे पास साइड है 1 मीटर, ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 ओम, और उसका मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला। तो अगर लूप पर पेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, पंगा बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सीधा ही फॉर्मूला लग रहा है यार, ये तो मतलब गिफ्ट दिया बच्चों को ना, BA cos थीटा। और आप जानते हो कि जब परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू होता है तो थीटा हमारे पास सीधा ही होता है, जीरो, परपेंडिकुलर पे जीरो होता है बिल्कुल रिस्पेक्ट टू। तो फाई कितना आ गया, BA आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 0.5 टेस्ला। एरिया साइड का स्केयर होता है तो उसका वैल्यू पुट कर दो और सीधा ही वेबर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने करे और आपने देखा कि इतने इजी क्वेश्चन थे ना ये, कि मतलब पूछो मत। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में उसने तो और ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट दे दिया। उसने बोल दिया है कि हमारे पास इन द गिवन फिगर ABC द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द 2 PN जंक्शन आर इक्वल। अब देखिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो PN जंक्शन में मेंटेन होता है वो सिर्फ तभी होता है कि अगर PN जंक्शन में हमारे पास दोनों साइड के ऊपर फॉरवर्ड बायसिंग होती हो, तभी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है। अब देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये वाली पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव मिल रहा है और इसको नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अब नेक्स्ट में आ जाइए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव मिल रहा है, इधर भी इधर हमारे पास पी था और इसको नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये वाली चीज़ रिवर्स बायस है, ये वाली चीज़ क्या हमारे पास रिवर्स बायस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखना था कि बेसिकली कि जो फॉरवर्ड बायस है, चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, है ना, दो हमको बोला है उन्होंने। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है, उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव था, ये देख लीजिए सीधा ही आंसर बन गया यार, ए और सी वाला, बोथ ए एंड सी, सी ऑप्शन इज राइट, मैक्सिमम बच्चों का ठीक हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीधा ही था बुक में। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन आ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ जो है ना बेटा जी, वो एंगल हमारे पास एक 30° है और एक हमारे पास 45° है, तो रेशियो बताओ भाई, रेशियो बताओ उनका कितना होगा, इसका रेशियो बताना है हम लोगों ने, इसका रेशियो बताओ हमारे पास कितना होगा इनकी वेलोसिटी का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ जो है वो हमेशा क्या देता है भाई हमको, हमको देता है वेलोसिटी, क्या देता है वेलोसिटी। और आप लोग जानते हो भाई इस सीधा वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है tan ऑफ थीटा, कितना होता है tan थीटा, एक एंगल आपको 30 दे रखा है, एक आपको 45 दे रखा है, तो पहले दोनों का वैल्यू डाल के वो निकाल लीजिए आप, एक का 30 है और दूसरे का क्या है 45, ठीक है, एक का 30 है और दूसरे का क्या है 45 है। अब tan 30 का वैल्यू और tan 45 का वैल्यू लगा दीजिए और V1/V2 का रेशियो निकाल के बताओ क्या निकल रहा है, और मैक्सिमम बच्चों ने ये किया होगा क्योंकि 1/2 और 3/2 का कटिंग हो जाएगा, तो 1:3 होगा, सीधा ही आपकी पॉकेट में, मतलब सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है बेसिकली ना, तो 2017 के मॉक टेस्ट में भी था, बस उसमें जो एंगल डिफर थे उसमें 3:1 वाला था, और कई बच्चों ने 3:, जो रूट ऑफ 3:1 किया होगा वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एंगल जो था वो 45 और दूसरे वाला हमारे पास 30 दे रखा था, ये कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट ठीक था, मतलब इतना डिफिकल्टी हम उसको कह सकते हैं अगर बच्चों ने मॉक टेस्ट करा होगा।
तो टू ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, एक है हमारे पास 10 kg और एक हमारे पास 20 kg, ठीक है। उसको कनेक्टेड करा हुआ है हमने दो एंड ओ से, ठीक है, जिसका एक हमारे पास 10 मीटर जो है उसका लेंथ है, ठीक है जी। तो 10 मीटर के विद रिस्पेक्ट टू बड़ा है ऑब्जेक्ट ना, कैसे करेंगे इसको देखिए। ये हमारे पास एक 10 kg का मास है और एक 20 kg, और उसने बोला है कि 10 10 मीटर दूरी के ऊपर, 10 मीटर दूरी के ऊपर, 10 मीटर की दूरी के ऊपर 10 kg से पड़ा है सेंटर ऑफ मास है पॉइंट, मतलब यहाँ से कितना है हमारे पास 10। तो यहाँ पर कहीं पे सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, जिसके पास में होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 और 20 प्लस 10, ये फार्मूला है डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का निकालने का, ये डायरेक्ट फार्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का। अगर सेंटर में ना पड़ा हो, जो जिस बॉडी के पास में पड़ा हो ना, तो हम उसकी उसका मास लेते हैं और दूसरे वाले का डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 10 है ही, तो इसको लगा दीजिए आप, तो टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें आ जाना है 200/30, तो 0 से 0 कट गया और आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है ए ऑप्शन, 20/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, 10th नंबर क्वेश्चन तो मतलब गिफ्ट दे दिया एनटी वालों ने ना। तो क्या था इसमें देखिए, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात करते हैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहती हैं, इसमें तो कुछ सोचने वाला बात ही नहीं था, 90 डिग्री, सीधा ही बी ऑप्शन था भाई, इसमें तो सीधा ही बी ऑप्शन था। अब इसमें हमारे पास सीधा ही बी ऑप्शन आ गया, अब हम भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन बचे हम लोगों ने सॉल्व करे हैं और मेरे अकॉर्डिंगली आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपरली समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप काइंडली बताइए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर इनिशियल टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की हमारे पास डबल है, इसके इनिशियल टेंशन जो है वो स्ट्रेच्ड ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वो है डबल, ठीक है, तो रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वे बताइए। ये स्पीड के साथ टेंशन का रिलेशन सीधा ही फॉर्मूला किट में था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर V1 जो है बेटा वो डायरेक्टली दिया हुआ है टी के, और V2 जो है वो डायरेक्टली डबल दिया हुआ है बोला हमने, तो V1/V2 का रेशियो निकाल दीजिए, V1/V2 का रेशियो निकाल दीजिए, टी अपॉन टू टी, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया और आपके पास तो बच गया 1/√2, क्या बच गया 1/√2, और इसका आंसर आपके पास मेरे बच्चे बन गया बी सीधा। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला शीट जो है ना हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हैं और इसको अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना है, समझ गए हो। ये डायरेक्टली था यार, बहुत इजी क्वेश्चन था ये फॉर्मूला चार्ट था, ये फॉर्मूला चार्ट में था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो लिंक में हम मैं इसका लिंक जो है वो दे दूंगा, ठीक है, आप उसको लाइक कर लीजिएगा, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको लेटेस्ट लेटेस्ट मिलते रहेंगे जैसे भी, ठीक है, सारा कुछ मटेरियल है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला किट में डायरेक्टली मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था बेसिकली। चलो, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हमको दे रखी हैं, एक है न्यू और एक है N/2, सो आर इंसिडेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम हाफ, मतलब Vs/2 और Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब Vs, तो उसकी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली थी। अब इसमें फ्रिक्वेंसी का चक्कर पड़ना है बच्चों, क्योंकि इसमें जो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी की मैचिंग नहीं होनी हमारे पास बेसिकली ना, हमारे पास जो है इसमें थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी का मैचिंग नहीं होना, जो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है ये इनसफिशियंट, ये डाटा है वो इनसफिशिएंट है, और इसमें हर एक बच्चे को 4 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड होंगे पक्का है, जो हर एक बच्चे को 4 मार्क्स जो हैं वो बेटा अवार्ड किए जाएंगे,
अगला क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर टी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी। याद रखना बच्चा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है उसके लिए अल्फा का वैल्यू, कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव रहता है और अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है सेमी कंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये अल्फा का कोफिशियंट होता है ना, टेम्परेचर कोफिशियंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो होता है डिक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, नो साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकता, इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स, अल्फा पॉजिटिव है, डिक्रीज इन सेमी कंडक्टर, अल्फा नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन तो बन ही रहा है। अब बाकी क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि डिक्रीज कंडक्टर में हो नहीं सकता और बूथ में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर के लिए ही अल्फा पॉजिटिव रहता है। तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है, बी ऑप्शन बेटा जी इसका करेक्ट बनता है। अरे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये सीधा ही थर्मोडायनेमिक्स से उन्होंने उठा के डाल दिया, उन्होंने बोला कि आइडियल गैस है उसकी फोर अलग अलग हमारे पास पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है और हमारे पास इसका सेम इनिशियल स्टेट दे रखा है, तो एडियाबेटिक आइसोथर्मल आइसोकोरिक आइसोबारिक सॉरी, और द कर्व बताइए कि 1 2 3 4 कौन सी इनमें, 1 2 3 4 आइडियाबेटिक की कौन सी। सबसे पहले आइडियाबेटिक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है, पी वी गामा, वेयर गामा इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो गैमा है ना, गैमा, ये जो गैमा है, ये गैमा हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जितना बड़ा कर्व आएगा उतना ज़्यादा गैमा का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा किसी का स्लोप ज़्यादा है, कर्व स्लोप ज़्यादा है इन चारों में से, तो उसका ही हमारे पास वो एडियाबेटिक होगा। अब देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकते, अब रह गए सेकंड और थर्ड, और थर्ड के विद रिस्पेक्ट टू अगर स्लोप फेंकें तो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू टू के। सो आइडियाबैटिक वाला जो सिंपल सी बात थी इसमें क्वेश्चन में कि इसमें गैमा के विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने सॉल्व करना था, और जिसका गैमा ज़्यादा मतलब जिसका एक्सपोनेंशियल ज़्यादा वो कर्व ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बेटा जी ए बिल्कुल एक्यूरेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक्यूरेट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ओहो ये तो 10th का क्वेश्चन आ गया पावर वाला, एनर्जी दैट विल बी आइडली रेडिएटेड बाय 100 kW ट्रांसमिट इनटू 1 आवर, इनटू 1 आवर एनर्जी का फार्मूला क्या रहता है प्यारे बच्चों, पावर इनटू टाइम, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, पावर 100 kW दी थी, इसको आप वॉट में कन्वर्ट कर लो बस, और टाइम किस में दे रखा था, टाइम आपके पास कितना था बच्चे, 1 आवर, तो 1 आवर में कितने हमारे पास सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना बनता है, ये आ जाएगा 36 और ये आ गया 2 3 5 और 7, और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बन रहा है सीधा ही, पावर इनटू टाइम, यार इससे ज़्यादा इजी क्या डाल देंगे, इससे इजी क्या डाल दिया जाएगा बताइए ना, हैं बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा ही क्वेश्चन था और डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, उसने बोला है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 2 3 4 सेकेंड्स। अब SN का हमारे पास ना टाइम के साथ एक रिलेशन होता है, वो बेसिकली वो फ्रीली फॉलिंग कर रहा है क्योंकि यूज में जीरो होता है, तो हम लोग ना इसमें लेते होते थे 2n-1, ठीक है, तो ये तो वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है, सो SN का वैल्यू कितना आ रहा है, 2n-1, ठीक है, तो n का वैल्यू पहले 1 पुट कर दीजिए क्योंकि 1 सेकंड के लिए, 2-1 1, मतलब एक पॉइंट आ गया आपके पास 1, ठीक है, एक कितना आ गया 1 आ गया, अब फिर 2 पुट कर दिए, 2 2 का 4 4-1 3, अब देखिए 1:3 वाला है कोई, सीधा ही बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बच्चों किस किस का सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वाला फॉर्मल लगना था सीधा nth वाला, बहुत इजी क्वेश्चन। और जो इसके अगला क्वेश्चन है ये तो देख के ना मतलब एक वाइट थ्योरेटिकल पेपर ही याद आ रहा है, उसने सीधा ही बोला यार स्टेटमेंट में
द एक्सप्रेशन जो है वो इनफिनाइटली करंट के लिए है, हम इनफिनाइटली स्मॉल के लिए, और करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, एलिमेंट डी एल एलिमेंट के लिए है। तो ये वाला तो सीधा बॉयड सेवेट लॉ है यार, आइडियल, ठीक है, आइडियल बाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बाई फोर पाई, ये तो सीधा है। स्टेटमेंट नंबर टू में क्या बोल रहा है यार, ये स्टेटमेंट नंबर टू में बोल रहा है बॉयड सेवेट लॉ एनालॉगस ऑफ द कूलम इनवर्स लॉ। नो, ये इनवर्स कूलम की फोर्स को जो है इनवर्स के लॉ को बे ये नहीं करते हैं बेसिकली ना, क्योंकि इसमें एक वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें कैप आ जाता है कई बार, तो वो आर क्यूब बनाता है डिनोमिनेटर में। तो इसका स्टेटमेंट नंबर वन तो ठीक है, स्टेटमेंट नंबर टू गलत है। तो इसमें ऑप्शन बच्चों रहेगा बी ऑप्शन, सीधा ही था, सीधा ही था। ऊपर वाला तो बॉयड सेवेट लॉ बता रहा था, नीचे वाले में उसने कूलम फोर्स के साथ रिलेट कर दिया। कूलम फोर्स जो है वो स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, ये मूविंग चार्जेस के लिए होता है, तो दोनों में रिलेशन तो बन ही नहीं सकता। चलो अब 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, अब 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा कि व्हेन लाइट प्रोपोगेट थ्रू अ मटीरियल मीडियम, मटीरियल मीडियम में गया, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है एप्सिलॉन आर, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की ओपोमाबिलिटी दे रखी है म्यू आर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको दे रखी है वी, और वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी दे रखी है लाइट वी इज गिवन बाय सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वी हमारे पास जो है वो एक मीडियम में था, और जो सी का वैल्यू तो हमको पता है 3 × 10⁸ रहता ही रहता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एनालॉजी लेना पड़ना है। अब हमको मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ना, वो होता है हमारे पास म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ये आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, आपने इसको पढ़ा है बेसिकली। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने मीडियम और एयर का बात करें, तो अगर ये ना आए एन इज इक्वल टू सी बाई वी, फिर तो बात बन नहीं सकती। और हम लोगों को उसने बोला कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकाल के तो भाई वेलोसिटी निकालनी पड़नी है, तो क्या आएगा सी बाय एन, तो ये कितना आ गया सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर। तो ऑप्शन नंबर इसका इसका जो ऑप्शन नंबर है बेटा जी, सीधा ही सी बन रहा है, ये देख लीजिए, ये अब सी अपॉन दिस, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ईजी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बेसिकली ना, अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखिए वो बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 60 g, वो एक्सपीरियंस कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गिवन कर रखी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बताइए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बताइए। तो वो तो यदि फोर्स पर यूनिट मास का रिलेशन लगा दो यार, 3 न्यूटन हम लोगों को दे रखा था और 60 का जी था, तो उसको हम लोगों ने जो किलो में कन्वर्ट कर लेना है, किलो में कन्वर्ट कर लेना है, और सीधा ही आंसर, सीधा ही फोर्स भी था, मास भी था, जो मास था वो ग्राम में दे रखा था, उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बेटा जी, वो सीधा ही हमारे पास 50 वाला आएगा, मतलब ए ऑप्शन, सीधा ही फॉर्मूला था, सीधा ही वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा आपके पास, समझ गए। अब उसके बाद 20th क्वेश्चन है, ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसका सीधा रिलेशन है इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, में तो कोई फर्क ही नहीं है, इसको तो बिना देखे ही बी लगाओ, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी लगाइए इसके ऊपर, बिल्कुल बी ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा इसके ऊपर। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है सो बबल के ऊपर, अच्छा ओके, तो इसमें क्या करना है, इफ अ सोप बबल एक्सपैंड का मतलब है रेडियस बढ़ रहा है भाइयों, तो प्रेशर बताइए क्या होगा सोप बबल। तो इसमें आप लोगों को एक्सप्रेशन याद रखना पड़ना प्यारे बच्चों, होगा एक्सप्रेशन 4T/R, और पी जो है वो इनवर्स आ रहा है, पी जो है वो इनवर्स आ रहा है, तो मतलब प्रेशर के इनवर्स है ना, अगर सोप बबल का रेडियस बढ़ रहा है तो प्रेशर तो हमारे पास डिक्रीज होना तो लाजमी है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये तो मतलब एक हलवा क्वेश्चन था यार, हलवा क्वेश्चन था, सीधा ही हलवा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर जो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है यूनिफॉर्म डिस्क का अबाउट द पासिंग थ्रू अ सेंटर,
और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स डायामीटर। ओके, अबाउट इट्स डायामीटर। तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, और रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास वो क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास होती है आई बाय एम। क्या होती है? आई बाय एम। हमने मासिस तो सेम ही रहेंगे ना, सिर्फ इनकी इनर्शिया चेंज होगा, इनका इनर्शिया चेंज होगा, और इनका इनर्शिया क्या चेंज होएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग वैल्यू लगा लेंगे। और ये आ जाएगा के वन बाय के टू, और के वन बाय के टू का पुट करते वक्त जो सब पहले वाला डिस्क वाला होगा वो हमारे पास होगा एम आर स्क्वेयर, वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं एम आर स्क्वेयर अपॉन टू, और दूसरे वाले का जो था एक्सियल वाले का, एक्सिस वाले का, वो होगा एम आर बाई फोर, एम आर बाई फोर। एम से ये तो कट गया, ये आ गया 1:2, और इसका रेसिप्रोकल होना है बेसिकली हमारे पास, क्योंकि तो ये डिनोमिनेटर में था ना, ये 1/2 था और ये 1/4 था विद रूट, तो ऊपर जाएंगे तो रेसिप्रोकल होंगे, तो इसका आंसर बनेगा 2√2:1। सीधा ही आ रहा आंसर, इसको सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया का क्वेश्चन था, इनर्शिया का क्वेश्चन होगा मास तो सेम रहेगा, तो इसका ए ऑप्शन बेटा, इसका ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, ये आ रहा है फॉलो कंडक्टिंग सफेयर है जिनके रेडियस हमारे पास है आर वन और आर टू, उनके इक्वल चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल बताइए इनका क्या होगा, तो पोटेंशियल बताइए इनका क्या होगा। और ऑप्शन है हमारे पास मोर ऑन सफेरिकल स्मॉलर सरफेस इक्वल टू बोथ द सरफेस डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर और मोर इन द बिगर। ओके, तो पोटेंशियल का इन्वर्स रिलेशन होता है सीधा ही आर के साथ, तो जिसके जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो रेडियस ऑब्वियस है कि स्मॉलर वाले का कम होगा, तो ऑप्शन में क्या था, अलवा क्वेश्चन ए, सीधा ही ए, ए क्वेश्चन सीधा ही देखो ना, क्योंकि ए जो है क्यों आ रहा है, क्योंकि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगला क्वेश्चन डायमेंशंस में से आ रहा है, अरे क्या बात है यार, डायमेंशन का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला हुआ है, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है बेसिकली, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये क्या होते हैं, ये हमारे पास यूनिट्स, बोथ हैव नो डायमेंशन, डायमेंशन हैव यूनिट्स, नो यूनिट्स नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। और इसको देखो इसके हमको क्या दिया है, डायमेंशंस कैसे होंगे, एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, चलो नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, नहीं एंगल के यूनिट्स होते हैं हमारे पास, हमने पढ़े हैं रेडियन और स्टेडियन, ठीक है, बोथ यूनिट्स एंड नो, और इसका फिर ऑप्शन यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं डायमेंशन नहीं होते, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है बेसिकली आर, वो क्योंकि आर का अपॉन रेडियस आ जाता है ना, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा पूरे का पूरा एक सिंपल सा इसका पार्ट था, सीधा ही हमको वो हमने पढ़े भी हुए हैं दो तरह के एंगल्स, क्या हम कौन कौन से पढ़े हैं, एक एंगल हमारे हमने पढ़ा है उसके यूनिट्स एक पढ़े हैं रेडियन और एक पढ़ा है स्टेरेडियन, जो सिंपल एंगल होता है उसका रेडियन और जो सॉलिड एंगल रहता है उसका स्टेरेडियन। तो मैंने ये वैसे भी एक पैटर्न शुरू करने भी लगा हूँ मैं कल से ही यूट्यूब पे, हमारे चैनल के ऊपर मैं एक पूरा 1 घंटे का रोज़ का वीडियो बनेगा, उसमें आपको डायमेंशन से शुरू करवाने लगा हूँ ड्रॉपर्स बैच के लिए। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा ये, ठीक है। तो दो रजिस्टर्स हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है कि दो रजिस्टर हैं, एक 100 ओम का है एक 200 ओम का है, उसको कनेक्टिंग कर रखा है पैरेलल में, ठीक है, और रेशियो बताओ थर्मल एनर्जी जो डेवलप्ड हो रही है 100 दैट ऑन द 200 इज गिवन बाय। ओके, तो हमारे पास थर्मल एनर्जी, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला इसमें अगर लगाएं तो वो बता है, पावर का अगर फार्मूला हम लोग लगाएं, अगर हम लोग पावर का फार्मूला लगाएं तो पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ठीक है, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो, कि हमने थर्मल एनर्जी निकालनी थी, मतलब थर्मल एनर्जी मतलब वर्क कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो P1/P2 होगा वो होगा R2/R1, R2/R1 इनवर्स होता है ना, तो फर्स्ट की पावर रेसिप्रोकल और सेकंड की पावर भी रेसिप्रोकल, तो R2 आ रहा है 200 और दूसरे वाला आ रहा है 100, ठीक है, ये आ गया R2 है और ये हमारे पास R1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 200/100, ठीक
ये कट गए और हमारे पास यहाँ पर एक रेशियो निकल आया 2:1, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा ही पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो यार पता क्या है, एक हो एक पावर वाला हमने यहाँ पर कर दिया, एक पीछे इलेक्ट्रिक वाला, दो क्वेश्चन आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, और वो वाले आए हैं जूल हीटिंग फैक्टर वाले चैप्टर में से, और सेकंड उसके स्टार्टिंग वाले ड्रिफ्ट लॉसी का अगला आर्टिकल है पावर वाला है, उसमें हमने ये 10th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने कर रखा है, मोस्टली बच्चों ने ये करा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। शाबाश। एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1200 to 3120 RPM in 16 सेकेंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब फ्लाई व्हील जो है वो उसका हमारे पास RPM बढ़ रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ रहे हैं बेसिकली ना, तो हमारे पास हमने निकालनी है एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके लिए एक इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन, हम वो पकड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है अल्फा, वो किसके बराबर में आ जाएगी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ठीक है, सो हमारे पास मैक्स ज़्यादा कितनी थी 3120, ठीक है, माइनस माइनस कितना करेंगे 1200, और टाइम कितना दे रखा है 16 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और याद रखिएगा एक चीज़, आरपीएम को और आरपीएम को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। आरपीएम को जब आप चेंज करते हो ना रेडियन में, क्योंकि हमारे पास जो है पाई में आंसर निकल रहा है, ठीक है, तो आरपीएम को आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसका कन्वर्जन होता है 2π/60। इसको आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के साथ ही आपके पास जो आंसर निकल के आएगा ए, मतलब ये लगना था फॉर्मूला। कन्वर्जन तो हमको पता ही है, कन्वर्जन तो हम लोगों ने बड़ी बार करी है आरपीएम की, आरपीएम की बड़ी बार करी है, वो हमारे पास होती है रेडियन पर सेकंड होती है ना, क्या होती है रेडियन पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए भाई, अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन आ गया है, स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया है विस्कस लिक्विड में से, कर्व बताइए कि कौन सी होगी, स्पीड ऑफ द बॉल जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर मैं एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ, वो स्टार्टिंग इनिशियल तो जीरो होएगी ना बेटा, इनिशियल तो जीरो होगी, मतलब ये डी वाला और सी वाला ये तो फ्रेम से निकल के पंगा पड़ रहा है इनका, ए और बी का, ठीक है, तो कर्व शो कर रही है कि फंक्शन ऑफ टाइम के साथ। तो जब मैंने इसको फेंका विस्कस मीडियम में, ये फर्स्टली तो अंडर ग्रेविटी गिरेगी, मतलब इसका जो है वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, जब विस्कस मीडियम के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा, उसके बाद वो लगातार नीचे आराम से जानी शुरू हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो केस होता है। तो कॉन्स्टेंट वाला तो यही आ रहा है क्योंकि ये तो बढ़ ही जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है ना यार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि बॉल को फेंका, स्पीड बढ़ी, ठीक है, और क्योंकि अंडर ग्रेविटी है तो कर्व्ड कर इसमें और ट्रेजेक्ट्री ड्रा होनी है, तो इसलिए कर्व्ड पाथ बन गया। सीधा ही कंसेप्ट था वैसे तो, ये नीचे आएगी बॉडी तो उसने ट्रेजेक्ट्री ड्रा करनी है, और एक वैसे भी होता है कि एक जब सरफेस पे जाके स्ट्राइक करती तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट फर्स्ट वाले में तो कांस्टेंट कोई भी जो था ए वाले में तो कांस्टेंट कोई भी नहीं आ रहा था, इसमें तो कांस्टेंट कोई भी नहीं आ रहा था, ये देखिए इसमें भी नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा था, कांस्टेंट आ रही थी सिर्फ इसमें, इस पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेटा बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है। ओके, 28th पे मूव करते हैं। अगर लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, और एंगल है 60 डिग्री, और एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे और ए, कोई तंगी नहीं मेरे बच्चों के लिए, हम सब कुछ करेंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यार, ठीक है, और यहाँ से लाइट आई, और हम लोगों को इसने ये बोला हुआ है कि जो एंगल जहाँ से लाइट आ रही है ना वो है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है, और ये लाइट अगर रिफ्लेक्शन भी होती है ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा। तो सबसे पहले आप स्नेल्स ना लगा के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं ना, स्नेल्स ला लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, स्नेल्स ला लगाते हैं इसके ऊपर, साइन आई बाई साइन आर,
आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर कैसे, इसको इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो इसको हमको दे रखा है √3, ठीक है। इंसिडेंट भी हमको दे रखा है, इंसिडेंट का एंगल भी हम लोगों को दे रखा है। इंसिडेंट का एंगल है हमारे पास sin 60, कितना है इसका आ गया हमारे पास sin 60, ठीक है। √3 और sin 60, इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व। ये देखो करते हैं सॉल्व, देखो ये आ गया म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, ठीक है। ये हमारे पास है √3 और ये है 60 डिग्री, इसका होता है √3/2, ठीक है। इसका कितना होता है √3/2, तो √3/2 की बात करेंगे हम लोग। अगर √3/2 की बात कर रहे हैं तो बच्चे हमारे पास इसको जब कंपेयर किया जाएगा तो √3 से √3 कट गया और बेसिकली साइन आर जो है वो आ गया 1/2 के बराबर में, साइन आर आ गया 1/2 के बराबर, ठीक है। साइन आर किसके बराबर में आ गया? 1/2 के बराबर में आ गया, के बराबर में आ गया है 1/2 के बराबर में। अब साइन आर अगर 1/2 के बराबर में आ गया है तो हमारे पास 1/2 का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, कितना होता है? 30 डिग्री। अब टोटल एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा? ये था 60 क्योंकि सेमी सर्कल था, तो इतना आ गया 30, 60 + 30 कितना हो गया? 90। और ये वाला फिर रिमेनिंग कितना बच गया? 90, कितना बच गया? 90। तो इसका सीधा एक आंसर जो है बेटा जी हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, तो सीधा ही ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन बन गया, ठीक है। पता लग गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा दिया, स्नेल्स लॉ के विद रिस्पेक्ट हमने सारा क्वेश्चन जो है वो अवेल कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो आएगा, अब इसके बाद हमारे पास जो बेटा जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग कैसे करेंगे बेसिकली। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है उसका हमको 2000 पैसेंजर यूनिट दिया हुआ है और मूविंग विद द कॉन्स्ट कंटेनिंग विद स्पीड भी दे रखी है, ऑपरेशन दी रखी है मोशन, और हम लोगों को थोड़ा सा बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बेटा मोटर के विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है, जी जी ठीक है। अब इसने बोला क्या है? अब इस क्वेश्चन में बेटा उसने एक सिंपल सी बात बोली है कि जो इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है ना वो उसका मैक्सिमम लोड है 2000 kg, 2000 kg, और वो मूव कर रहा है अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। सबसे पहले तो लिखो यार, इसमें एक्सेलरेशन जीरो, चलो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो जो उसके ऊपर लग रही है वो 3000 लग रही है। ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जहां पर वेट लगेगा ना बॉडी का उस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो वेट फ्रिक्शनल उसके अपोजिट लगती है हमेशा, ठीक है। बड़ा था इजी क्वेश्चन। तो मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर टू द लिफ्ट बताइए कितनी होगी? मिनिमम पावर बतानी है, मिनिमम पावर बतानी है। अरे मिनिमम पावर के लिए, मिनिमम पावर के लिए हमारे पास जो पावर का, सबसे पहले आपको एक पावर का ना जो को फॉर्मूला लिखना पड़ना है, और पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इसमें टेंशन है यार, फोर्स इसमें क्या है? टेंशन। अब आप टेंशन निकालो सबसे पहले कि इसमें टेंशन कितनी होगी, टेंशन किसके बराबर में होगी? कि ऊपर जा रही है ना बॉडी तो उसमें टेंशन लगनी है, वो होती है वेट प्लस फ्रिक्शन फोर्स, वेट प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था वेट था 2000 किलो, ठीक है, 2000 किलो। उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना पड़ना था क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी था। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आ गया इनका आ गया 23,000, कितना आ गया? 23,000 आ गया, कितना आ गया? 23,000 आ गया। अब 23,000 हमारे पास जो आंसर आया है अब उसी को वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में, और ये आ जाएगा 23,000 × 1.5, 23,000 × 1.5, 23,000 × 1.5। बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए इतने, तो आप वो 3, 4, 5,
00 बड़े बच्चों का क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन था। बेसिकली क्वेश्चन में था गया यार बॉडी ऊपर जा रही, टेंशन ऊपर है, वेट का वेट उसका नीचे लग रहा है, ऑब्वियस है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है उस उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है, वो सीधा ही आपके पास में आंसर निकल आएगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास एक शेल है, मास है जिसका शेल इनिशियली, वो एक्सप्लोड हो रहा है तीन पार्ट्स में, ठीक है, किस रेशियो में, 2:2:1, और फ्रैगमेंट्स के इक्वल पार्ट्स वो फ्लाई ओवर कर रहे हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है विद वेलोसिटी वी। तो स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर पार्टिकल के बारे में बताइए, स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने समझना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन का, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। अब हमारे पास उसने बोला है कि भाई 2:2:1 में, अच्छा तो हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि जो टोटल मास है वो 2:2:1 में टूट रहा है, ठीक है, तो ये आ गया 2x + 2x + 1x = टोटल मास के बराबर में आ गया। तो x के यहाँ से कितना निकल आएगा बेटा, m/5 और आ जाएगा 0.2। इस चीज़ को ध्यान से लीजिएगा, मतलब कि जो उनका मास निकल रहा है ना वो टोटल मास के विद रिस्पेक्ट टू कितना है, 0.2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो है वो बोल रहा है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने का क्या मतलब है बेटा, इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का इसमें क्या मतलब है बेसिकली, कि अगर एक पार्टिकल इधर है 2 वाला, इधर भी 2 वाला और इधर है 1 वाला, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 0.2 m आया ना, तो इसका हमको कितना पार्ट दिया था 2, मतलब इसकी लॉन्ग आ जाएगा 0.4 m, इसके लॉन्ग भी आ जाएगा 0.4 m और इसके लॉन्ग आ जाएगा 0.2 m, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला लगेगा मोमेंटम का, इसका फार्मूला लग जाएगा मोमेंटम का, नीचे कर देते हैं साफ साफ आराम से ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सको। अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो दो मोमेंटम से बराबर में हो, ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाला था मोमेंटम, इसको हम लोग कैसे लिख सकते, 0.2 m × v′, ये मोमेंटम था, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ p1 का वैल्यू कितना था, p1 का वैल्यू कितना आना था 0.4 m v² + 0.4 m v² और इसका बच्चों आप लोगों ने रूट ले लेना था, मतलब रूट्स के साथ इसको सॉल्व करना है सारा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास m के साथ इनके m कट जाने थे, और इसके आंसर जो था, इसका जो आंसर जो था वो सीधा बनना था इसका बी ऑप्शन, इसका जो आंसर जो था बेटा वो क्या बनना था, बी ऑप्शन, सीधा मोमेंटम का कंजर्वेशन लगना, सीधा मोमेंटम का कंजर्वेशन लगना था और आपके पास सीधा जो है उसका आंसर आपकी पॉकेट में। बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने ये बोला इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक फ्रैगमेंट है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमारे पास कैसे कैसे 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया, ठीक है, अगर 2:2:1 की रेशियो में अगर बच्चों इसको डिवाइड किया गया है, अगर 2:2:1 की रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये था एक्चुअली में मज़ेदार क्वेश्चन। ये देखो मैं आपको वो सारा जो है वो सॉल्व करके थोड़े से क्वेश्चंस की जगह लेके बाकी क्वेश्चन थोड़ी सी जगह मांग लेते हैं भाई, दे दो प्लीज़ मांग लेते हैं, ठीक है। देखो अब उसने बोला बेटा कि हमारे पास 3 फ्रैगमेंट्स, ठीक है, 3 फ्रैगमेंट्स में हमारे पास 2:2:1 की रेशो में वो ब्रेक हुआ,
है, मतलब हमने 2x + 2x + x, और टोटल मार्क्स कितना था उसका m, तो x किसके बराबर में आ गया मेरे बच्चे, m/5, तो वो कितना आ गया 0.2 m। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, 0.m आ गया, मतलब हर के विद रिस्पेक्ट टू, और वो रेशियो में डिवाइड हुआ है 2:2:1, मतलब हमारे पास जो इसका डायग्राम सा बनेगा ना, वो बनेगा जैसे 2 × 0.2 कहाँ पर आगे लाई करेगा, 0.4 m के ऊपर, ये किधर लाई करेगा 0.4 m के ऊपर, और ये किधर लाई करेगा 0.2 m के ऊपर, 0.2 m के ऊपर लाई करेगा। अब हमारे पास मोमेंटम का केस आना है, किसका केस आना है, मोमेंटम का सॉल्विंग का, मोमेंटम P′ = √P1 + P2, क्योंकि वो तीन से, इसका हम लोगों ने क्या मान लिया, P डैश मान लिया ना, इसका हमने क्या मान लिया, P डैश, इसको मान लिया P1 और इसको मान लिया P2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, P1 का स्केयर भी आ गया और P2 का स्केयर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर P डैश का वैल्यू लगाते हैं सबसे पहले, वो कितना था, मास कितना था उसका, मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ गया 0.2 m × V′ अपॉन, ये कितना आ गया 0.4 m × V का होल स्क्वायर प्लस 0.4 m V का होल स्क्वायर, ठीक है इससे, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब इनको बेटा इनको ओपन किया जाएगा, इनकी ब्रैकेट्स को, ठीक है, ये जो स्केयरिंग है उसको हम ओपन करते हैं, ये 0.4 का होल स्केयर अलग, m² V² अलग, प्लस 0.4 का होल स्केयर अलग, और m² V² अलग आ गए, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब क्या किया जाएगा, अब ये रूट थे बेसिकली ना, ये रूट में से ये दोनों चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी ना, बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगी, ये वाली यहाँ पर आ गया mv, तो बाहर आ गया सीधा ही mv जो है वो बेटा वो बाहर आ रहा है, अंदर बच रहा है आप लोगों के पास 0.4 का होल स्केयर प्लस 0.4 का होल स्केयर। इसको जब सारा सॉल्व किया जाएगा ना, जब इसको सारा सॉल्व किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास बच रहा है 4/10 × √2, वो किसके बराबर में था, 0.2 × V′, 0.2 × V′, ठीक है। एम के साथ इसका एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एम के साथ इसका एम क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर भी आप 0.22 से कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2, 2 के साथ 2 का क्या हो गया, 2 के साथ 2 का क्या हो गया, कटिंग हो गया, और वी डैश जो है वो आपके पास आ गया, इसका 2 बचा था, 2 × √2V। तो ऑप्शन जो है बेटा वो बन गया आपका बी ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम। इसको मैंने दोबारा इसलिए बेसिकली करवाया है ताकि जो हर एक स्टेप को साफ सुथरा कर दिया जाए, क्योंकि वो बाकी काफ़ी जो हुआ है वो हॉच पॉच हो गया था बाकी क्वेश्चंस की वजह के करके, बट मेरे प्यारे बच्चे मेरे लिए पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे पूरा काम करना है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 31st क्वेश्चन के ऊपर। तो डायमेंशंस हम लोगों को ये दे रखी हैं, वो बिलोंग कहते हैं किसके साथ कर रही हैं, अरे यार ये तो सीधा ही क्वेश्चन है एक, देखो आपके पास एक म्यू नॉट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, डायमेंशन सभी ने पढ़ के आएंगे, मेरे बच्चे सारे करके आएंगे जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार इतने तो मत बनो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ये आ गया 4π r(f)(I1)(I2)(L) होता है, ठीक है। तो इसका सीधा ही सीधा रिलेशन जो है ये बना, ये हमारे पास इसका जो आंसर आना है वो आना है मैग्नेटिक परमाबिलिटी, सीधा ही सीधा यार, कल मैंने डायमेंशंस के फिर से शुरू करवाने, ठीक है। होप्स वो आपका निकल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद, पर जिनका नहीं अच्छा हुआ वो वीडियोस देखना शुरू कर दो साथ साथ ही, क्योंकि मैं पूरी +1 पूरी +2 8 मंथ के अंदर ख़त्म करूंगा विद नीट क्वेश्चंस, PYQ भी करूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट्स में वो आपको आती नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा वो क्या है,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि एक कॉपर की वायर है जिसका लेंथ है 10 मीटर और रेडियस कितना है 10^-2 अपॉन √π। उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी मेंशन किया गया है और करंट डेंसिटी भी हम लोगों को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर करंट डेंसिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आप जानते हो, और ये होती है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ द क्या होती है बच्चे, रेजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगा दीजिए, ये क्या आ जाएगा, आर ए एल डिनोमिनेटर में था वो ऊपर चला गया, सारी वैल्यूज पुट कर दो यार, सब कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 10, L भी 10 है, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको दे रखी है, एरिया भी आपके पास मेंशन करा रखा है, और सारा कुछ दिया है यार। सीधा ही वैल्यू पुट करेंगे इसकी हम लोग, और इसका जो सीधा ही वैल्यू पुट करके जो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसका सी ऑप्शन। क्या आ रहा है इसका, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा बेटा इसका सी ऑप्शन। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर रहा हूँ, मुझे बताना। और आपको जिस जिस टॉपिक के वीडियोस की ज़रूरत होगी आप मुझे बताते जाना, मैं आपके लिए बनाता जाऊँगा। ठीक है, और क्योंकि हम बच्चों से हमारा प्यार है और सारा कुछ बच्चों के सिर के ऊपर है और लोग आपके लिए बैठे हैं। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसकी 8 फ्रिंजेस हैं, वो सर्टेन लाइट सेगमेंट के ऊपर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसके हमारे पास 600 नैनोमीटर वेवलेंथ है, यूज़ किया है। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज कर दी गई है 400 नैनोमीटर में, बदला की गई है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन द सेम रीजन। इसका ना हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है n1 λ1 λ1 = n2 λ2 n2 λ2। अब देखो n1 हमको 8 फ्रिंजेस दे रखी थी, ठीक है, सीधा ही फॉर्मूला था यार, इक्वली थी ना, सेम सेम फ्लेम में दिया तो अब आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर था हमारे पास 600, n2 हमारे पास कितना था, n2 हमारे पास कितना था निकालना है, और λ2 कितना था 400। सीधा यार इसे को डिवाइड कर दो, ये कटिंग हो गई इसकी, ठीक है, ये इसके साथ इसकी कटिंग हो गई, 4 1 4 4 1 4, 4 2 का 4 2 का यहाँ पर आ गया 4 2 का 8, और 6 × 2 ये कितने हो गए 12। 12 ऑप्शन पड़ा है यहाँ पे, ये ऑप्शन सीधा ही। आपने सिर्फ यहाँ पर ये करना था कि n1 λ1 n2 λ2, क्योंकि सेम प्लेन में था तो सीधा ही आंसर इसका आना ही आना था। अगला क्वेश्चन आ रहा है 34th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 34th क्वेश्चन, उसने ग्राफ दे रखा है वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम के साथ। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, और इन्वर्सली होता है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये तो खत्म हो गई फ्रेम, और लीनियरली कभी भी वेवलेंथ वेरी नहीं करती तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बचा, क्योंकि तो एक्सपोनेंशियली करते हैं, इसका ग्राफ भी हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना। अरे रे 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 रे, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया बीटा डी के, वेरी गुड। उसमें देखो सोडियम 22 को उसने स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, और आपको मालूम होना चाहिए एक फॉर्मूला हुआ करता था AXZ = YAZ−1+न्यूट्रॉन प्लस कुछ जो था न्यूट्रिनो बाहर निकलता था, याद आया। सो इसमें Z−1 मतलब जिसका 10 है ना, और इसमें जो एटॉमिक उसका एटॉमिक मास रहेगा वो सेम रहेगा बच्चों, उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो सेम रहेगा। एटॉमिक मास सेम वाला कौन सा है, एटॉमिक मास सेम वाला है बी ऑप्शन, और इसका बी ऑप्शन लगा दीजिए, बी ऑप्शन सीधा ही है इसका, सीधा ही बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड। उसके बाद अब हमारे पास शुरू हो गया है थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट का, अब 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, बेसिक अब LCR सर्किट आ रहे हैं, अब इंडक्टेंस का बात है। सो ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, हमको इंडक्टेंस दे रखी है भाई 10, ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखी है माइक्रो फेराड में दे रखी है 10, ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कई बच्चे फेराड में लेके आए होंगे।
रेजिस्टेंस है 50, उसको कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज के साथ, ठीक है। और इफ़ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एल सी आर सर्किट की हमारे पास म्यू नोट में है, तो देन द फ्रिक्वेंसी अक्रॉस द सोर्स क्या होगी। ओके, तो देखिए ओमेगा हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, और म्यू इक्वल टू कितने बराबर में है, ओमेगा 2 पाई में है, तो ये आ गया 100/2 पाई। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास आ गई है 50/2 पाई हर्ट्ज़। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें बेसिकली ना, क्या निकालनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये बोला उसने। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किस किस को याद है, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दियो। वो है 1/2 पाई, 1/2 पाई √LC, √LC सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप, सीधा ही आंसर आपके पास निकल आएगा। √LC की वैल्यू में पुट करिए, और इसका जो वैल्यू सीधा इंडक्टेंस भी दे रखा है, कैपेसिटेंस भी, पर कैपेसिटेंस को माइक्रो फराड को फराड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और इसका जो अरे जी आपके पास जो आंसर आना है वो आ रहा है ए ऑप्शन। किस किसने सही करा कमेंट। अरे ये तो सीधा ही आ गया, इसको तो करवाने का मुझे तो, मेरे हर एक बच्चे ने किया होगा जैसे इसने वीडियो मेरे बैच में पढ़े हैं, क्योंकि तो हम बैच भी लॉन्च कर रहे हैं वैसे भी, 25th ईयर अराउंड हमारा बैच लॉन्च हो रहा है नीट का, तो भी बच्चे जल्दी जल्दी इनरोलमेंट करवा लीजिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप स्क्रीन पे जो नंबर है व्हाट्सएप वाला वहाँ पर कॉल करके बैच में इनरोल होइए, और हम जल्द अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, अरे यार ये तो सीधे सीधे ही हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो पहले वाला है ग्रेविटेशनल, इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका तो ये सीधा ही बन रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो ये वाला है, एनर्जी के साथ जो होता है, एनर्जी का सीधा रिलेशन वर्क डन के साथ होता है। पोटेंशियल का जो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है सीधा ये है, क्योंकि उसमें मास नहीं होता, और इंटेंसिटी वाला फिर से ये है ही बचा। तो इसका जो पहला ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था जी, सीधे डायमेंशन फॉर्मूले से आ गया। देखो दो क्वेश्चंस आपको मैंने डायमेंशन में करा दिए, और मैंने बोला था कि डायमेंशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ के जाना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर से आ गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ गया, और वो एक क्वेश्चन जो है NCERT में भी दे रखा है। उसने बोला है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 900 पिको फेराड, और उसको किससे कनेक्ट करके रखा है, 100 वोल्ट के साथ, और उसको डिसकनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, और एक अनदर अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगा दिया गया है, ठीक है। और तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है वो बताइए। पहले तो हमको एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, या ठीक है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, उन्होंने निकाल के रखा हुआ है। सबसे पहले जब अगर हमने इनको, इनका जो कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि हमने अनचार्ज को कैपेसिटर को लगाया ना, तो एक कॉमन पोटेंशियल का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या था, C1V1C2V2/C1+C2। इनिशियली पोटेंशियल इसका तो जीरो ही होगा, सेकेंड वाला जो अनचार्ज था, तो इसका कैपेसिटर मैंने सी मान लिया, और ये मुझे V1 जो पोटेंशियल दे रखा था वो कितना था, 100 था, और इस दोनों की कैपेसिटेंस सी सी, क्योंकि कैपेसिटेंस सी रहनी है, ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हम लोगों को। ये कितना आ जाएगा फिर, 100C/2C, सी से सी कट गया, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया आप लोगों के पास, 50, कितना आ गया, 50। पोटेंशियल जो है वो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 50 वोल्ट। अब हम लोगों ने निकालना क्या था, हमारा बेसिक काम क्या था, हमने निकालनी थी एनर्जी, निकालनी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। दो कैपेसिटर थे ना, तो एक कैपेसिटर की हाफ सी वी स्केयर होती है, तो 2 की कितनी होगी, 1/2 CV²। सी वी से सी वी कट गया, क्या बच गया, सी वी स्केयर बच गया। अब कैपेसिटेंस हम लोगों को दे रखी थी 900 × 10⁻¹, क्योंकि माइक्रो फराड में थी। पोटेंशियल आप लोगों के पास आ गई 2500, इतनी आ गई 2500। इसको सारा सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के साथ ही आपके पास बेटा जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी ऑप्शन। क्या बन रहा है इसका आंसर, बी ऑप्शन बन रहा है। ये 38 तक हम लोगों ने करे, देखिए आपने जितने क्वेश्चंस करे हैं सारे के सारे डायरेक्टली NCERT के विद रिस्पेक्ट टू, ये फार्मूलेज थे डायरेक्टली यार, फार्मूलेज के विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने बेसिकली ना सारा अपना काम बिगाड़ा है या बनाया है।
इसको हम लोगों को अच्छी तरह से अभी फॉर्मूलेस को दोबारा एक बार जिन्होंने ड्रॉप लेना है वो फॉर्मूलेस जरूर दोबारा एक बार रिवाइज करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियोस देखिए सिर्फ, और अगर आपने बैच में ज्वाइन होना है तो ज़रूर होइएगा क्योंकि उसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ड्रॉपर में करवाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने पी वाई क्यू सारे कराने हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं, डी पी पीज देनी है, असाइनमेंट्स देनी है, फ्री नहीं बैठने देंगे हम लोग आपको। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 39th क्वेश्चन, जो जो टू ट्रांसपेरेंट मीडिया है हमारे पास ए एंड बी, उसको सेपरेट करके रखा है प्लेन बाउंड्री के साथ, जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दीज मीडिया हम लोगों को गिवन करी हुए हैं ये रिस्पेक्टिवली, तो क्रिटिकल एंगल बताइए। क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या होता है? अरे बाप रे बाप, क्रिटिकल एंगल तो भाई वो होता है जब जब आर कितना बने 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना बने 90 डिग्री बने, तो क्रिटिकल एंगल का हमने सीधा ही एक साइन आई सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ हमारे पास है रेरर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसका वैल्यू ये रेरर मीडियम का ये डेंसर मीडियम का, तो यहाँ आ गया साइन सी, ये आ गया हमारे पास 3/4 ना, आ गया 3/4, और आई सी निकालना था तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, और 3/4 को जल्दी जल्दी डिवाइड करिएगा 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 और आएगा 0.750 और ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए ये सीधा ही क्वेश्चन बस हल हो रहा है। इसके बाद आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या था, उसने हम लोगों को बोला कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द मोलिक्यूल्स कंटेन 4.5 kg ऑफ वाटर, वाटर दे रखा है याद रख लीजिए, और इंटरटॉमिक फोर्सेस वैनिशिंग इज, इंटरटॉमिक फोर्सेस वैनिशिंग कब होगी, इसका वॉल्यूम बेसिकली हम लोगों ने निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई किसके करना है जो स्टैंडर्ड उसका होता है 22.4। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मास अपॉन मोलर मास, और ये लीटर में दे रखा था इसको आप मीटर क्यूब में कर लीजिए, 22.4 × 10³। तो मास कितना था भाई, मास था 4.5, मोलर मास कितना था 4.5 kg था, तो इसको हम लोगों ने 10³ में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, और मोलर मास था 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.4 × 10³, ये आपस में कट गए, और हमारे पास जो सॉल्व करके बेटा इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो सीधा आ रहा है 5.6 जो है इसका बेटा मीटर क्यूब में जो पास बन रहा है 5.6 का जो है हमारे पास इसमें जो आंसर है बेटा जी वो बन रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे बच्चों, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, ये जरा उसने बोला है कि हमारे पास एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी 10 m/s, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 10 m/s के साथ ऊपर की तरफ, ठीक है, सो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट बताइए, द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट बताइए। अरे यार देखो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पर यू का वैल्यू 10 है और कॉस का वैल्यू 60 डिग्री है, तो √3/2 होता है, तो कट गए 5√3 जो इसका आंसर आ गया, सीधा ही ए ऑप्शन था बेटे इसका, इसका सीधा ही हमारे पास जो था ए ऑप्शन आ रहा था। अब असर्शन रीजनिंग का बात हम लोग करने जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग में क्या था, असर्शन रीजनिंग में हमारे पास था, उसने क्वेश्चन में पूछा है असर्शन दे रखी है जो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग है ना वो डिटरमाइन कर किया गया है बाय द शीयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, शीयर मॉडुलस होता है जो अपनी शेप चेंज कर, ठीक है। और दूसरा उसमें रीजन दे रखा है द कॉपर कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज द मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल का मतलब तो होता है कि लेंथ भी इंक्रीज हो जाए, और उसमें तो सिर्फ उसमें विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन एंगल होता है,
है, शियर स्ट्रेस का मतलब समझते हो ना, कि उसका बेस फिक्स रख के हम लोग क्या करते थे, एंगल के साथ वेरी करते थे। पर टेंसाइल स्ट्रेंथ में तो हमारे पास क्या होता था, वेट रखते थे और उसका लेंथ जो था हमारे पास क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था बाय एल। लेंथ जो था उसका कितना इंक्रीज हो जाता था, बाय एल। तो बेटा इसका जो ए वाला आंसर है ना, मतलब इसका ये ट्रू है, जो इसकी असम्पशन है वो ठीक है, बस इसका जो रीजन है ना वो गलत है। इसका जो रीजन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस का तो केस भी बन नहीं जा सकता, क्योंकि उसने बोला कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो स्टील के विद रिस्पेक्ट होता है, पर स्टील का यंग मॉडुलस होता है, स्टील जो है वो यंग मॉडुलस के विद रिस्पेक्ट होती है, उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस का केस नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा बेटा टू पेंडुलम्स। टू पेंडुलम जिसका एक का लेंथ है हमारे पास 121 और दूसरे का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, वो वाइब्रेट कर रहे हैं एक ही फेस के अंदर। एट सेम इंस्टेंट द टू आर देयर मीन पोजीशन के ऊपर है और है भी सेम फेस के ऊपर। तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल के बताओ जो शॉर्टर पेंडुलम की होंगी, विच ऑफ द टू अगेन इन फेस द मीन पोजीशन इज इन एट द मीन पोजीशन इज एट द मीन पोजीशन इज। हमारे पास ना टाइम पीरियड ऑफ द सिम लॉन्गर इज इक्वल टू का फॉर्मूला रहता ही है। इस फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट, ये ब्रह्मास्त्र है, ये कैप्सूल क्वेश्चन है बेसिकली, ये ना एक कैप्सूल क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम लगा दीजिए इसके ऊपर ही, ये देखो यहाँ पर लगाइए इसके ऊपर ही, ये क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, 2π रूट ऑफ लेंथ दे रखा है ना 1.21 बाई जी इज इक्वल टू एन प्लस वन, दूसरे का क्या दे रखा है, अकेला 1/g है हमारे, कितना है 1/g है। सो साथ में 2π तो आना ही आना है, 2π के साथ 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जी के साथ आप लोगों का जी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। और साथ में यहाँ पर एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो आनी थी, क्योंकि हम लोगों ने एन के विद रिस्पेक्ट को सारा कुछ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे रूट 1.21 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1 इज इक्वल टू एन प्लस वन। और इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाना है एन का वैल्यू 0.1, कितना आ जाना है 0.01 टाइम्स ऑफ वन, एक मिनट इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, सॉल्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। पास हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है, वो हमारे पास बच रहा है बच्चे एन इंटू 1.1 इज इक्वल टू एन प्लस वन। सो क्या होएगा अगर ये वाला एन मैं उधर भेजता हूँ, तो मेरे पास 0.1 एन इज इक्वल टू वन और ये आ जाएगा 1/10। और 1/10 एन का मतलब हो गया 1/10, ये आ गया 0.1 नीचे, और ये 0.1 का 0.1 का हो गया 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन सीधा और सीधा हमारे पास कौन सा आ रहा है, बी, सीधा से सीधा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 1/1 upon 0.1 है, कितना है 1/0.1 है, तो वो कितना आ रहा है बेटा, वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 44th नंबर क्वेश्चन है। 44th नंबर क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम करंट निकालना है, उसमें सीधा ही हमको बोल दिया हुआ है कि मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालो। और गिवन क्या क्या है बच्चे, चल जल्दी जल्दी देख लीजिए, रेडियस दे रखा है ओके, उसके बाद उसने डायामीटर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डायामीटर दे रखा है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, ठीक है जी, और इसमें रेजिस्टेंस भी दे रखी है, ठीक है। हमने निकालना था आई मैक्स, क्या निकालना था आई मैक्स, वो आना था ई मैक्स बाई आर, और इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा हमारे पास, ई मैक्स का ना एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ई मैक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा, होता है एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है एन बी ए ओमेगा। और इसका सभी का वैल्यूज आप लोग लगा दीजिए, बस यहाँ पे आर भी दे रखा है और आपके पास सभी का नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड एरिया सभी का वैल्यूज आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए और सीधा आपके पास 1 एम्पेयर आंसर बाहर आ जाएगा। और ये बन गया बी, ये क्या बन गया बेटे आप लोगों के पास, बी ऑप्शन, क्या बन गया बेटा बी ऑप्शन आ गया ना, आ गया बी ऑप्शन आपके पास, ये आ गया, ठीक है।
इसके बाद आ गया हमारे पास 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में हमारे पास शॉर्ट डाइपोल का सीधा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि उसने बोल क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत दूर पॉइंट के ऊपर बढ़ी हुई है, तो इसका रिलेशन तो सीधा ही होता है शॉर्ट डाइपोल का आर क्यूब के साथ, इतना होता है आर क्यूब के साथ। तो बेटा यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है, सीधा ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला आपके पास जो है वो न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला लगेगा, ए आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर वन बाई थ्री। एक आपको ए दिया हुआ है 125 और एक दिया हुआ है 64, उसका क्यूब करेंगे तो सीधा ही क्या आ जाएगा, क्यूब रूट करेंगे तो 5/4, कितना आ जाएगा 5/4। तो उसके बाद बेटा एक 47th नंबर क्वेश्चन जो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, वो उस क्वेश्चन में उसने बोला कि एम्पियर सर्कुलर लॉ है जो स्ट्रेट लाइन के विद रिस्पेक्ट टू बताइए कि जब वो सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू जा रही है, मतलब सेंटर इनसाइड का कितना रहता है और आउटसाइड के रीजन के ऊपर कितना रहता है। देखिए इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम सा बना सकते हैं हम लोग, ये है हमारे पास रेडियस, ठीक है इनर, और यहाँ पर जैसे जैसे वायर यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड बताता है ना, मतलब जब वो इनसाइड होगा तो तब बढ़ेगा, और जैसे ही आउटसाइड जाना शुरू हो जाएगा तो वो 1/r के विद रिस्पेक्ट टू डिक्लाइन करेगा। तो सबसे पहले उसने सिंपली बोला कि लीनियरली इंक्रीज करता है जब वो सरफेस तक जाता है, और सरफेस के बाद वो एक्सपोनेंशियली क्या करना शुरू कर देता है, 1/r के विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ये बड़ा ईजी क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद जो 48th नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 48th नंबर क्वेश्चन में तो बड़ा ही यार सिंपल सा काम है, इसमें सीधा ये ए जा रहा है, ठीक है, और इसमें बी जा रहा है। तो देखिए आगे लगा है इन्वर्टेड वाला, ठीक है, नैंड गेट लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा ए बी बार, कितना आ जाएगा ए बी बार। और इसका देखिए इधर इधर बी सीधा जा रहा है और ए का यहाँ पर बी जो है वो सीधा जा रहा है और ए का इन्वर्टेड आ रहा है। और जब यहाँ पर ये पहुँचेगा ना, जब यहाँ पर इसके बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आ जाना है ए बी, ए बी, ए का तो चलो इन्वर्टेड था ही, और एक जो नैंड गेट के विद रिस्पेक्ट टू टोटल था, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले गेट का वो आ जाएगा इस तरह से, जो नीचे वाले गेट का आ जाएगा वो आ जाएगा इस तरह से, और ये दोनों इसमें फेड की जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगी इसकी और इसकी दोनों फेड की जाएंगी। जो सी की तरफ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी बेटा, ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है, और इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं, बी और बी कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और अंदर बच जाएगा ए प्लस ए बार का होल बार, और ये तो कैंसिल हो सकती है क्योंकि अगर इसका वन होगा इसका जीरो, तो ये कैंसिल होगी, तो सी क्या हो गया, बी का इन्वर्स, मतलब जो बी के विद रिस्पेक्ट टू सारी वैल्यू जो है वो उल्टी आती चलेंगी। सो बी के विद रिस्पेक्ट टू बेटा इसकी वैल्यू सारी सीधी आ चलेगी, जो जीरो के विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 के विद रिस्पेक्ट टू 0, 0 के विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 के विद रिस्पेक्ट टू 0। सो इसका ऑप्शन नंबर बी सीधा, ये फंडा था इसमें, ये वाला फंडा था। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है कि एक रजिस्टर हमारे पास एक वोल्ट मीटर वीस्टोन ब्रिज दे रखा है जिसको डिटरमाइन करनी है वैल्यूज हमने अनडाउंड रेजिस्टेंस की एक्स की, और वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है वाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा है वाई। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल मेजरमेंट एक्स, तो रेजिस्टेंस पी और मिनिमम एरर के लिए हम लोगों को चाहिए। उसने बोला कि हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट हो, प्रिसाइज मेजर का मतलब होता है कि जिसका एरर कम हो, जिसका एरर क्या हो हमारे पास कम हो, और एरर कम तभी होगा जब हमारे पास ये शुड बी अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे और इनका वैल्यू स्मॉल होगा, क्योंकि जितना वैल्यू स्मॉल रहेगा उतना हमारे पास जो है वो बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो बेटा सीधा ही है। और अगला क्वेश्चन तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एरिया निकालना, लेंथ ब्रेथ दे रखा है, तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा था 1382.5, और दो सिग्निफिकेंट निकाल लेते इसका। और ये वाला आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर प्रीसीडिंग नंबर ग्रेटर देन 1 है और उससे पहले वाला जो है ग्रेटर देन 5 है, सॉरी, और उससे पहले वाला ऑड है तो उसमें एक प्लस हो जाता है, तो ये बन गया 14 वाला है। हाँ सीधा ही सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स सीधा ही सी ऑप्शन था यार, सीधा ही तीन क्वेश्चन तो डायमेंशन से आ गए।
आज का हमने ये पेपर सॉल्व करा है, कल से हम लोग नई वीडियोस बेटा लेके आ रहे हैं जिसमें आपको डिटेल्ड मैनर में +1 और +2 जो है वो समझाई जाएगी, +1 +2 जो है बेटा वो समझाई जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं होप सो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो बढ़िया समझ आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।